दोस्तों क्या होगा जब हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे नेपाल के साथ में? क्या जीत पाएगा पाकिस्तान या फिर करारी टक्कर देगा नेपाल पाकिस्तान को? आपको क्या लगता है? एक और जहां नेपाल साउथ एशिया की डेवलपिंग कंट्री है, वहीं पाकिस्तान के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जितने भी भाई नेपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठुको लाइक एंड पाकिस्तान वाले कमेंट करो एंड इंडिया एंड बांग्लादेश वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी के। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड स्कोर बोर्ड भी जरूर देखना। दोस्तों अगर बात की जाए एरिया की तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो की वर्ल्ड की 93rd नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान का टोटल एरिया 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर का है और यह वर्ल्ड की 33rd नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। तो पहला पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। पॉपुलेशन की बात करें तो नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 2023 में 3 करोड़ के अराउंड है और यह वर्ल्ड की 49th नंबर की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। पाकिस्तान की आबादी 2023 में 24 करोड़ के अराउंड है और यह वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो पॉपुलेशन का दूसरा पॉइंट भी जाता है पाकिस्तान के नाम। गाइस अगर नंबर ऑफ प्रोविंसेस को देखा जाए तो नेपाल में जहां 7 प्रोविंसेस हैं, वहीं पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस, 2 ऑटोनोमस रीजन एंड 1 कैपिटल टेरिटरी को मिलाकर टोटली 7 सब डिवीजन है। गाइस दोनों कंट्रीज में सेम नंबर ऑफ सब डिवीजन है तो यह पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे बड़े प्रोविंस की। तो नेपाल का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है कर्णाली, जिसका टोटल एरिया 27,984 किलोमीटर स्क्वायर का है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान विद 3,47,200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो लार्जेस्ट प्रोविंस का पॉइंट फिर से पाकिस्तान के नाम। मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, नेपाल में जहां सबसे ज्यादा आबादी इसके मध्य प्रोविंस में रहती है, वहीं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है पंजाब, जिसकी आबादी नेपाल के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रोविंस से भी ज्यादा है। तो पॉइंट फिर से जाएगा पाकिस्तान को एंड स्कोर होता है 0.4 नेपाल एंड 4 पॉइंट्स पर पाकिस्तान। आइए दोस्तों इकोनॉमी कंपैरिजन करते हैं। तो नेपाल की जीडीपी 2023 में $45 बिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की $376 बिलियन की, जो कि नेपाल की जीडीपी से काफी ज्यादा है। तो पॉइंट पाकिस्तान को। गाइस जहां नेपाल का जीडीपी पर कैपिटा $1,500 का है, वहीं पाकिस्तान का $1,566 का, तो यह पॉइंट फिर से पाकिस्तान को। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, नेपाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है काठमांडू, वहीं पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद एंड लार्जेस्ट सिटी है कराची। तो गाइस अब दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो नेपाल में 71.1% पॉपुलेशन लिटरेट है, जबकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 66%। तो यह पॉइंट नेपाल को। नेपाल में जहां 13.8% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे आती है, वहीं पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट है 35.7%। तो पॉइंट फिर से नेपाल को। नेपाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, वहीं पाकिस्तान का 6.3%। नेपाल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जहां 0.602 मीडियम लेवल का है, वहीं पाकिस्तान का HDI 0.554 लो लेवल का है। तो पॉइंट नेपाल को एंड स्कोर होता है 4.4 नेपाल एंड 6.4 पाकिस्तान। जेंडर रेशियो, नेपाल का जेंडर रेशियो 984 मेल पर 1000 फीमेल है, जबकि पाकिस्तान का 1033 मेल पर 1000 फीमेल है। नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज जहां 99.9% हाउस होल्ड है, वहीं पाकिस्तान का ओनली 93% हाउस होल्ड। तो यह पॉइंट फिर से नेपाल को। अब पाकिस्तान एक बड़ा देश है नेपाल से, तो इसकी सिटीज नेपाल के सिटीज से ज्यादा डेवलप्ड है, बट पाकिस्तान से ज्यादा लोग नेपाल को विजिट करना पसंद करते हैं। तो गाइस एक पॉइंट जाता है पाकिस्तान को एंड एक पॉइंट जाता है नेपाल को एंड आज का मुकाबला 7-7 पॉइंट स्कोर के साथ में टाई होता है। तो दूसरे वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट में बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।